बच्चों संकल्प का बल चैप्टर 5 जो हम आधा पढ़े थे आज हम आगे पढ़ेंगे। हम क्या पढ़े थे, अगर हम संकल्प कर लेंगे तो कोई भी काम आसानी से हो सकता है। हृदय में अगर हम भय निकाल देंगे तो कोई भी काम कर सकता है। आज का काम अगर कल करेंगे सोचेंगे बहुत काम कभी नहीं होता है, आज का काम आज ही करके हमें रहना चाहिए। राह में यदि बीछे हो कांटे, सर्प की फुंकार तुमको डांटे, सहित साहसी कदम जब है उठते, सर्प डरते सूल भी हटते। क्या होता है, तुम्हें लगता है तो अगर राह में कांटे हैं, बहुत सारे विपदाएं हैं, तुम नहीं कर सकते, तो क्या बोलता है, सर्प की फूंकर तुमको डांटे। तुम्हें लगता है कि सर्प जैसे फूंकारता है तो सब डर जाते हैं, तो तुम भी डर जाते हो, तो ऐसे डरना मत। अगर तुम साहस करके आगे बढ़ोगे तो साहसी कदम अगर उठाओगे तो तुम भी आगे बढ़ पाओगे। सर भी डर जाएगा और कांटा भी सारा हट जाएगा अपने आप। तुम कदम उठाओगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, सब काम आसानी से कर सकते हो। फूल पत में गए जब खिल, हृदय में उत्साह पल पल, आज ही उठकर खड़े हो मत कहो कि चलूंगा कल। क्या हुआ है, क्या बोले हैं, फूल पत में गए जब खिल, जब हमारे पत में फूल खिल गए तो हृदय में उत्साह आ जाता है पल पल। मतलब हम कोई भी काम करेंगे वो पूरा होता दिखेगा तो हमारे मन में उत्साह आता है कि नहीं। कोई भी काम करते हैं तो पूरा होता हुआ दिखते ही हमारे मन में उत्साह जो आता है, तो पल पल उत्साह आता है। तो इसी बात को हमें सोचकर क्या करना चाहिए, आज उठकर ही खड़े होना चाहिए और कल हमें कभी मत कहना चाहिए कि कल चलूँगा बोल के। जो भी काम हो आज ही कर लेना चाहिए। मुसीबत आगे खड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी है, हृदय चंचल से ना जाए, विजय का व्रत खो ना जाए। क्या बताया है, मुसीबत आगे खड़ी है। कोई भी काम करने से आसानी से होता है क्या, आसानी से नहीं होता, मुसीबतें आती है। तो क्या बोले हैं, मुसीबत आगे खड़ी है, यह परीक्षा की घड़ी है। हम कुछ भी करने से आसानी से होता है क्या, नहीं होता है, कड़ी परीक्षा देनी से ही होता है। आप जो क्लास में फर्स्ट आने की कोशिश करते हो हमेशा, तो परीक्षा देना पड़ता है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही हृदय चंचल हृदय जो है वो सो ना जाए। मतलब चंचल हृदय विचलित ना होकर उसी काम में मन लगा रहे, चंचल हृदय और किसी काम में मन न लगाए। विजय का व्रत खो ना जाए, मतलब आप अगर विजय पाना है तो अपने मन को चंचल ना करके एक ही जगह पर टिका रहना चाहिए। कष्ट होते नष्ट निश्चय, स्वयं को पहचान निश्चल, आज ही उठ खड़ा हो मत कहूँगा उठूँगा कल। क्या है, कष्ट को नष्ट करके निश्चय, हम अगर कोई काम करेंगे तो उसमें बाधाएं आता है, उस बाधाएं को तोड़कर हम स्वयं को आगे निकालते हैं, उस बाधाएं को तोड़कर हम आगे निकलेंगे तभी ही हमारा काम होता है। आज ही उठकर हम खड़े होकर कहेंगे कि उठूंगा मत, कभी मत कहना कि उठूंगा कल, कोई भी काम को कल करूंगा बोल के मत सोचना, आज ही जो काम है आज ही करना।